आज हम बनाने वाले हैं चिकन बिरयानी, चिकन और चिकन कटलेट। गाइस अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है और आज मैं कुछ डिफरेंट रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको नाइट रूटीन दिखाती हूँ कि नाइट में मैं क्या क्या बनाती हूँ डिनर के लिए। तो चलिए देखते हैं। चिकन बिरयानी के लिए हमें खड़े मसाले चाहिए, तो यहाँ पे इलायची है, लौंग है, साजिरा, दालचीनी और काली मिर्च। और यहाँ पे मैंने बासमती चावल ऑलरेडी धो के रखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 ग्लास मैंने बासमती चावल रेडी रखा है। तो देखिए यहाँ पे मेरे सासू माँ बिरयानी के लिए घी डाल रही है 2 चम्मच और साथ ही उसमें डाल रही है 3 चम्मच ऑयल। तो आज मेरे सासू माँ बना रही है खाना और क्यों बना रही है ये लास्ट में बताऊंगी आपको, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। तो देखिए अभी इस तेल में खड़े मसाले सब डालना है और साजिरा को हमें लास्ट में डालना है जब वो खड़े मसाले थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। और अभी साजिरा भी डाल दिया है, उसमें कोथिंबीर और बिरयानी पत्ता, तेज पत्ता भी डाल के थोड़ा सा भून लेना है उसे। तो ये थोड़ा सा भून जाने के बाद इसमें आपको अदरक लहसुन पेस्ट डालना है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल रही है। इसमें जब नॉनवेज बनाते हो तो अदरक लहसुन ज़्यादा ही लगता है, तो उसे भी थोड़े अच्छे से भुनने के बाद हल्दी डालना है 1 चम्मच और उसे भी अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हमें चिकन को डालना है। चिकन मैंने अच्छे से धो लिया है साफ़ करके और चिकन को भी इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेनी है ताकि इसका जो स्मेल है कच्चापन का वो निकल जाए। तो देखिए चिकन को भी भून लेना है हमें। तो चिकन भूनने के बाद 2-3 मिनट के बाद उसमें हमें लाल मिर्च डालना है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ 4 चम्मच लाल मिर्च डाल रही है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो और स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो यहाँ पे 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं। अब इसे ढक के करीब 5-6 मिनट तक पकने देना है। तो साइड में यहाँ पे चिकन करी भी बना रही है, उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर करती हूँ। तो देखिए चिकन इस तरह से थोड़ा सा कड़क पक चुका है, भून चुका है। अब इसमें हमें पानी डालना है। तो 4 ग्लास चावल के लिए 8 ग्लास पानी लगता है, यानी चावल जितना हो उतना डबल पानी आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 ग्लास पानी डाल रही है सासू माँ, 4 ग्लास चावल था तो डबल पानी आपको यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे पानी डाल के जब पानी उबालने के लिए छोड़ देना है, जब उबल जाएगा तब हम इसमें चावल डालेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर रही है, थोड़ा नमक कम लग रहा था तो फिर आप इस टाइम पे नमक ऐड कर सकते हो। तो ढक के छोड़ देना है उसे। तो देखिए यहाँ पे मैं चिकन कटलेट बना रही हूँ। ऑलरेडी मैंने चिकन कटलेट का रेसिपी शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही मस्त बनता है। और जो चिकन की रेसिपी है वो मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी। तो देखिए चिकन टिक्का भी बन गया है और आज मेरी सासू माँ बना रही है खाना। तो देखिए पानी जो है, चिकन का जो पानी हम लोग ने डाला है वो उबल रहा है, तो इस टाइम पे हमें चावल को डाल देनी है। तो देखिए पूरा चावल डाल दिए हैं और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पकाना है। तो अब इसे बीच बीच में आपको 1-2 बार मिक्स करना होता है ताकि चावल जो है अच्छे से पक जाए पूरे चावल। अब ढक दिए हैं और साथ ही चिकन भी बन रहा है। तो देखिए और 10 मिनट के बाद जो पानी था वो पूरा सूख चुका है, अभी फिर से एक बार मिक्स करके ढक देना है। तो बीच बीच में आपको चेक करते रहना है चावल को और देखिए पानी जो है पूरा सूख चुका है, बस थोड़ा सा पानी है तो और चावल भी थोड़ी से कच्चे हैं तो वो दम में पक जाएगा। तो आपको थोड़ा नीचे के चावल ऊपर डालते हुए और ढक्कन लगा देनी है। तो हमें इसे करीब अभी 5 मिनट के बाद फिर से निकाल के चेक करनी है। देखिए
इसे नीचे के चावल को ऊपर लाके ऐसे इस तरह से पलट के मिक्स करना है, और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, अदरवाइज जो बासमती राइस होते हैं वो टूट जाते हैं। तो सिर्फ नीचे का चावल ऊपर पलट देनी है बस, और जब पानी सूख जाए तो उसे धीमी आँच पे पकानी है, एकदम स्लो फ्लेम पे दम के लिए छोड़ देनी है। तो जो दम आएगा उसी में वो चावल जो है पक जाएगा। तो ढक्कन लगा के इसे पकाना है। तो यहाँ पे हमारा चावल जो है हो चुका है, देखिए कितना मस्त बना है चिकन बिरयानी। तो चलिए हमें इसे सर्व करते हैं। ये चिकन बिरयानी है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी करना आपको रेसिपी कैसा लगा है, और चिकन करी और ये चिकन कटलेट। तो कैसा लगा मेरा ये आज का रेसिपी मुझे ज़रूर बताइए। देखिए कितना मस्त बना है। तो गाइस अभी जो है खाना बन चुका है, और ज़्यादातर चिकन या फिर नॉनवेज जो भी बनाना होता है तो वो मेरी सासू माई बनाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा नॉनवेज बनाती है। नॉनवेज ही क्या, वो खाना ही बहुत मस्त बनाती है। हम बहुओं ने आधा से ज़्यादा रेसिपी जो है उन्हीं से सीखा हुआ है। एंड वैसे तो मायके में कोई भी काम उतना खाना वाना तो कोई बनाता नहीं है, ससुराल जाने के बाद ही उन्हें बनाना पड़ता है। बट फिर भी मैंने मेरी मम्मी से जो है उनसे भी मैंने कुछ रेसिपी सीखे हुए हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। एंड डिनर करने वाले हैं थोड़ी देर में। आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।